और अब आज की बड़ी खबर, दिल्ली में आज किसानों और मजदूरों की रैली है। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर और किसान रामलीला मैदान पहुंचे हैं। इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं। सुबह 9 बजे रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक प्रदर्शनकारियों का मार्च शुरू होगा। रामलीला मैदान में जिन राज्यों के किसान पहुंचे हैं और मजदूर पहुंचे हैं, वो बिहार से हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु भी शामिल है। रैली की वजह से आज नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक भी प्रभावित रहेगा। मुख्य मांगे हैं इनकी रोजगार, कर्ज माफी, फसलों की उचित कीमत और न्यूनतम भत्ता। ऐसी कई मांगों को लेकर ये किसान और मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी किसान मजदूर संघर्ष रैली का आयोजन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने किया है। भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और ट्रेड यूनियन भी इस रैली में शामिल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये किसान जुटने लगे हैं रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं किस तरह से कैंप्स में बैठे हुए हैं ये लोग। और आपको ये भी बता दें कि जब ये मार्च निकलेगा रामलीला मैदान से लेकर संसद मार्ग तक, तो रास्ते में भी कई किसान और मजदूर जुड़ते जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। विशाल पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद हैं और प्रमोद इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो प्रभावित हो सकता है जब यहाँ से लोग मार्च निकालेंगे तो। लेकिन पहले रुख रामलीला मैदान का करते हैं। क्या हो रहा है आपके पीछे बताइए, और करीब कितने लोग जुटे होंगे विशाल अभी तक? विशाल, आपकी आवाज हम बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। जो किसानों का मार्च है वो शुरू हो चुका है। विशाल ने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि मार्च शुरू हो चुका है, वापस उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शोर पीछे हो रहा है। प्रमोद, मार्च शुरू हो गया है, करीब कितना वक्त लगेगा आईटीओ से गुजरने में, या कौन कौन सी और सड़कें हैं जहां से गुजरेंगे, और ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, प्रमोद से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, विशाल ने हमें तस्वीरें दिखाई रामलीला मैदान की। आपको बता दें कि 9 बज गए हैं, मार्च शुरू हो चुका है। ये लोग दिल्ली के कई इलाकों से होते हुए संसद मार्ग की तरफ मार्च करेंगे। बड़ी संख्या में तमाम राज्यों से जो किसान और मजदूर है वो वहां पर रात से ही जुटे हुए थे, और अब ये लोग संसद की तरफ मार्च करेंगे। ऐसे में कुछ इलाके हैं जिनको कि ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि लोगों को अवॉइड करना चाहिए, कि एडवाइजरी उन्होंने जारी की थी। हालांकि ये रूट्स कहाँ डाइवर्ट किए गए हैं, किए भी गए हैं या नहीं, ये अभी नहीं सामने आया है। पुलिस ने कहा था कि जब लोगों की संख्या को देखकर, जब मार्च निकाला जाएगा, उसी वक्त ये डिसीजन लिया जाएगा। विशाल, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो बताएंगे क्या कि क्या मार्च शुरू हो चुका है और कितने लोग वहां पर इस वक्त मौजूद है? देखिए नंदिता, यहाँ पर रामलीला मैदान से मार्च शुरू हो चुका है ठीक 9 बजे ही, और उससे पहले लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर किसानों की लग गई थी। और आपको मैं एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि बारिश के बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रात से ही अलग अलग राज्यों के किसान आकर यहाँ टेंट लगाकर रुक गए थे। और इनकी जो मांगे हैं वो सबसे प्रमुख मांग है, किसानों का कर्जा माफ किया जाए। मजदूरों की सबसे पहली मांग है कि 18,000 रुपये उनका न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाए, उन्हें पेंशन जाए। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं यहां पर पहुंची हैं अलग अलग राज्यों से, उनका यह कहना है कि उनकी नौकरी को परमानेंट किया जाए। तो इस तरह के अलग अलग मांग को लेकर किसान यहां पर पहुंचे हुए। मनरेगा को शहरों में लागू करने की मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग है। इसके साथ ही साथ किसानों की जो आमदनी है, समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने की मांग है। तो इस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं, और इन्हें लेफ्ट का समर्थन प्राप्त है, और यही वजह है कि संसद तक यह मार्च होगा। और हमने तमाम किसानों से बातचीत की थी, साफ तौर से सरकार को लेकर नाराजगी थी। किसान जो यहां पर किसान आए हुए थे वो कह रहे थे सरकार ने अब तक कुछ किया नहीं, और इसीलिए उन्हें आज रामलीला मैदान आना पड़ा है। नंदिता, बिल्कुल, तो लोगों का यही कहना है कि वादे पूरे नहीं किए हैं सरकार ने, इसीलिए वो मार्च कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, आईटीओ पे मौजूद हैं। प्रमोद, क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है या कोई खबर है कि रास्ते में भी किसान जुड़ते जाएंगे, या फिर ये लोग सीधे रामलीला मैदान से निकलेंगे और पुलिस की देखरेख में, ट्रैफिक पुलिस की देखरेख में सीधे संसद मार्ग जाएंगे? बिल्कुल नंदिता, मैं आपको बता दूं, मेरी लोकेशन चेंज हो गई है। मैं इस वक्त 12 खंबा रोड पे हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये मंडी हाउस की तरफ से जो किसान है, जो मजदूर है, वो रामलीला
मैदान ना जाकर सीधा जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, संसद की तरफ जा रहे हैं। ये अलग अलग रास्तों से भी आ रहे हैं और कई ग्रुप में लोग पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। रंजीत सिंह फ्लाईओवर से होते हुए टॉल्स्टॉय मार्ग जनपद से होते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जा रहे हैं। ऐसे कई अलग अलग जो राज्यों से आए हुए किसान संगठन है या फिर जो मजदूर हैं वो सीधे ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पे पहुंच रहे हैं और रामलीला मैदान से जब मार्च शुरू होगा तो रंजीत सिंह फ्लाईओवर से होते हुए टॉल्स्टॉय मार्ग जनपद से होते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएगा और पूरे रास्ते में जो है पुलिस की सुरक्षा है और जब पूरा मार्च निकल रहा है तो पुलिस उसे एस्कॉर्ट भी कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से खराब ना हो, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। तो पूरी तरीके से पुलिस के प्रोटेक्शन में इनको एक शांतिपूर्वक मार्च निकालने के दिया जा रहा है और काफी संख्या में अलग अलग रास्तों से भी आएंगे क्योंकि पहले ही ट्रैफिक पुलिस ये साफ कर चुकी है कि कई लोग रेलवे स्टेशन से जो आज सुबह ही आए हैं वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट भी पहुंच सकते हैं, बस अड्डों से सीधा आ सकते हैं और जो लोग पहले ही आज सुबह से ही या कल रात से ही डेरा डाले हुए थे रामलीला मैदान में वो तो एक साथ कूच करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे मार्ग हैं जहां से अलग अलग भारी संख्या में जो किसान जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ कूच कर सकते हैं। तो इस पूरे इलाके में नई दिल्ली में और खासकर सेंट्रल दिल्ली में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी किसानों को ना हो, आम पब्लिक को ना हो। और ये जो एडवाइजरी जारी की है कि लोगों की संख्या को देखते के बाद ही, मौके की नजाकत को भापने के बाद ही उसी वक्त पे ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया जाएगा ताकि आम आदमी और किसानों को और जो प्रदर्शनकारी है इन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। नंदिता, बिल्कुल, तो ये मंडी हाउस से भी किसान जो है वो चलना शुरू हो गए हैं संसद मार्ग की तरफ और विशाल हमें बता रहे हैं कि रामलीला मैदान से भी निकल गए हैं। विशाल, क्या सभी राज्यों से लोग वहां पर पहुंचे हैं? और एक बार फिर मैं एक अनुमान जानना चाहूंगी, कितनी संख्या इनकी होगी जो रामलीला मैदान से निकले हैं और तो जुड़ते ही जाएंगे रास्ते में? देखिए, जो आयोजनकर्ता हैं, जिन लोगों ने इस मार्च को बुलाया है, उनके हिसाब से मानना है कि लाखों की संख्या में किसान आए, लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा किसानों की संख्या तो लगभग 15 से 20 हजार किसान आज रामलीला मैदान में यहाँ पर आए हुए हैं, जुटे हैं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि केरल से लेकर आप पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों के किसान प्रमुख तौर से यहाँ पर आए हुए। महाराष्ट्र के किसान हैं जिनसे भी थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे। तो ये अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज ये मार्च रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और बहुत ही अलग देखने को मिली, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल से किसान आए हुए थे वो यहां पर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, मोदी ममता एक साथ हैं, इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का मेन मुद्दा है, जो किसानों की मांग है, उस मांग को पीछे छोड़ते हुए एक राजनीतिक जो बातचीत की जा रही है वो हमें कहीं ना कहीं इस मार्च में हावी दिखाई पड़ी, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बात की। किसानों की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले इस बात की बात कर रहे हैं कि सरकार हमें हटानी है तब जाकर हमारी मांग पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव का मौसम है, ऐसे में कोई भी मुद्दा हो सीधे उसे चुनाव से और राजनीति से जोड़ा जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद भी है। शुक्रिया विशाल और प्रमोद आप दोनों का फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो फिर आपको एक अपडेट हम ये दे दें कि रामलीला मैदान से ये मार्च शुरू हो चुका है, अलग अलग इलाकों से भी दिल्ली के लोग संसद मार्ग की तरफ मार्च करना शुरू कर चुके हैं। किसान और मजदूर इसमें शामिल है, इनकी संख्या कुछ 15 से 20 हजार हो सकती है और संख्या अभी बढ़ती जाएगी। अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।